हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्ट सोर्स क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि डिमांड क्या है, हम डिमांड किसको कहते हैं। डिमांड वही है जो हम खरीदना चाहते हैं और जो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी इनकम है एम, तो इस इनकम में से जो हम खरीद सकते हैं उसको हम डिमांड कहते हैं। एंड इफ़ अगर हम डिमांड को क्यू से डिनोट कर सकते हैं, तो हम एक रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, दिस डिमांड दैट इज़ क्यू क्या किस किस के ऊपर निर्भर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टर्म इज़ पी, दैट इज़ एक चीज़ की डिमांड, उसके प्राइस के ऊपर निर्भर करते हैं, और निर्भर करते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दैट इज़ कोई दूसरी चीज़ के प्राइस के ऊपर, अदरवाइज जो खरीदने वाले हैं उसकी इनकम के ऊपर, ऐसे बहुत सारी चीज़ के ऊपर। सो इसको हम कह सकते हैं एक डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये डिमांड किस किस के ऊपर निर्भर करते हैं, द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। आप थोड़ा सोचिए इस बारे में, फिर मैं बताती हूँ। फर्स्ट कह सकते हैं कि प्राइस, हम जो चीज़ खरीदना चाहते हैं उसके प्राइस ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर है। थ्योरी ऑफ डिमांड ये कहते हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड और दी वी कैन से द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए तो उसका डिमांड कम हो जाता है। क्योंकि सोचिए, अगर आप मार्केट में जाएंगे कुछ पैसे लेकर और उसका प्राइस अचानक से बढ़ गया, तो आप ज़रूर उसको कम खरीदेंगे। और उल्टे तरीके से अगर किसी प्राइस चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्राइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मतलब हम जो चीज़ खरीदना चाहते हैं उसका डिमांड किसी दूसरे चीज़ के डिमांड के ऊपर भी, और सॉरी प्राइस के ऊपर भी निर्भर करता है। कैसे करते हैं ना, सोचिए अगर हम इस प्राइस ऑफ अदर गुड्स टॉपिक को दोनों हिस्सों में बांट लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम चाय खरीदने जाए तो उसका प्राइस किसी भी तरह से पिज़्ज़ा की प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता ना, तो ऐसा ही कुछ चीज़ के ऊपर डिपेंड हो सकता है जिसके साथ ये टी रिलेटेड है। सो इसलिए हम दोनों और गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूट्स, ये किस तरह के गुड है, ये है जो गुड्स हमारी एक तरह की हैबिट्स को सेटिस्फाई करते हैं। सपोज़ टी एंड कॉफ़ी दोनों ही पानी हैं और दोनों ही गर्म एनर्जी ड्रिंक है। सो अगर हम टी के प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए और वो हमारे ख़रीदने के लायक ना हो, तो हम इसका डिज़ायर कॉफ़ी पी के भी पी सकते हैं। तो अगर टी का प्राइस किसी तरह से बढ़ जाए तो इसका डिमांड तो फॉल होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, बट उल्टे तरीके से डिमांड फॉर कॉफ़ी बढ़ जाएगा। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स, कि अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो इसके जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, दैट इज़ डिमांड ऑफ कॉफ़ी। सो कॉफ़ी के डिमांड बढ़ जाएंगे। एक दूसरी तरह के गुड्स भी होते हैं, वो क्या है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो सकते हैं, सोचिए ज़रा। ये उस तरह के गुड्स है, हम इसको एक पेयर के तरह ले सकते हैं। सोचिए अगर हम कार चलाएंगे तो उसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगा, ऑब्वियसली पेट्रोल बा डीजल किसी चीज़ की तो ज़रूरत होंगे ही। सो अगर हम इस कार की डिमांड, हम कार खरीदेंगे या नहीं, इसका डिमांड डिपेंड करता है पेट्रोल के प्राइस के ऊपर भी। अगर पेट्रोल का प्राइस अचानक से रुपीज़ 60 से 100 हो जाए, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये मुश्किल होगा हर दिन इतना रुपए खर्च करना। सो इसके लिए कार का डिमांड कम हो जाएगा। सो ये कुछ इस तरह के गुड है कि अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाए, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, तो इट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कार के डिमांड कम हो जाएंगे। ठीक है, और एक फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे, वो है इनकम। इनकम
यानी एक कंज्यूमर का आय कैसे डिपेंड करता है उसके डिमांड के ऊपर, अगर हम इसको एम से इंट्रोड्यूस करें. सोचिए आपके पास ज़्यादा पैसा होगा ताकि आपका इनकम बढ़ेगा तो ही आप ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हैं. सो अगर आपका इनकम बढ़ जाए तो आपका डिमांड भी बढ़ सकता है. उल्टे तरीके से अगर आपका डिमांड घट जाए, सॉरी आपका इनकम घट जाए तो आपका डिमांड भी कम हो जाएगा. और थोड़ा चीज़ है जिसके ऊपर भी डिमांड निर्भर करता है, ऐसा ही एक चीज़ है एक्सपेक्टेड गुड्स. दिस इज अनदर फैक्टर, एक्सपेक्टेड प्राइस. इसका क्या काम है? एक्सपेक्टेड प्राइस इज़ नथिंग बट हम क्या सोच रहे हैं कि इस किसी चीज़ का प्राइस इन फ्यूचर क्या होगा. अगर हम सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम अभी वो चीज़ ज़्यादा खरीद के रखेंगे, दैट इज़ करेंट डिमांड बढ़ जाएगा. और अगर हम सोच रहे हैं कि इसका प्राइस आगे जाके घट सकता है तो हम उसको कम खरीदेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि दाम घटने के बाद हम उसे खरीदें, तो इसके लिए करेंट डिमांड भी फॉल हो जाएगा. ऐसे ही इस चार फैक्टर्स के ऊपर डिमांड निर्भर करता है. तो अगर हम डिमांड कर्व ड्रॉ करना चाहें तो वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा जो कि ऊपर से नीचे चेक जाएगा. अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्यू ड्रॉ करें और वर्टिकल एक्सिस में पी, क्योंकि लॉ के मुताबिक जब प्राइस घटता जाएगा डिमांड बढ़ता जाएगा. एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर देखिए, जैसे ही प्राइस फॉल हो रहा है वैसे ही डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा.